मोहब्बत करते हैं तो अपने घर वालों को जरूर बताएं। जब प्यार किया तो डरना क्या, तो अगर आप भी प्यार कर रहे हो तो डरिए मत। बहुत मिस कर रहे हैं अपने घर को, अपनी मम्मी को, पापा को। पहले तो हम ही गए थे इनके घर, फिर इनके घर वाले आए। फैमिली वेलकम है आपका विनय कुमार ज्वेलर्स के ब्लॉग पे। जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पहले से हैं उनको धन्यवाद, जो नए जुड़े हैं उनको भी धन्यवाद। तो आप लोग को हम बता दें, आप लोगों से हमने अपना लव स्टोरी शेयर किया है और आज भी शेयर ही करेंगे। आज का कुछ कठिन परिश्रम वाली बात थी कि कैसे मैं यहाँ तक पहुँच गया, तो आज हम आपको वही बताएंगे। प्यार मोहब्बत तो हम लोग का हो ही गया था, लेकिन अब बात शादी तक कैसे पहुंची, किसने पहले हाथ उठाया, किसने पहले हाथ आगे बढ़ाया, ये आज आपको हम बताएंगे। अब देखते हैं किसके अंदर ज़्यादा हिम्मत थी कि किसने रिश्ता लेकर पहले घर पहुंच गए। और आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, छोड़ के मत जाइए, स्किप मत करिए। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, खास करके जो कपल हैं या जो अभी प्यार में हैं, जो चाहते हैं कि हमारा प्यार हमको मिल जाए, तो प्लीज़ अभी चैनल को छोड़ के मत जाइए, बने रहिए। क्योंकि जब हिम्मत होता है तभी आदमी आगे बढ़ता है, जब कुछ कर गुजरने की आदमी ठान लेता है तो कर लेता है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने भागने की बात की, नहीं, हमने बात की है घर वालों के सामने बात रखने की। अगर आप एक दूसरे से किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो अपने घर वालों को जरूर बताएं। क्योंकि जब प्यार किया तो डरना क्या, तो अगर आप भी प्यार कर रहे हो तो डरिए मत, निकल जाइए घर पे, जाके मम्मी से बोलिए, पापा से बोलिए कि हमको उस लड़की से शादी हो गई, प्यार करना है। तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप लोग से सीधे टॉपिक पे आते हैं, बताते हैं आप लोग को। देखिए, जब मैंने मोहब्बत किया तो दिल में बहुत सारी बातें होती हैं कि यार शादी कैसे होगा, लेकिन मेरे अंदर ऐसा कोई डर नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैंने प्यार किया है तो सबको बताना चाहिए। तो मैंने सीधे पहले ना इनके घर पे बात किया, अपने घर पे बात नहीं किया, मैंने सीधे पहले इनके घर पे बात किया, ऐसी सी बात है। तो मैं वहाँ बात किया तो अचानक से इनके मामा एक दिन हमारे घर आ गए कि भैया आपके लड़के ऐसे ऐसे बोलने, बताइए क्या करना है। और अचानक से आ गए तो सरप्राइज होता यार, मेरा भी मुझे भी डर लगने लगा कि ये कौन आ गया, क्या बातें करने आया। और मैं इनके मामा को पहचान गया और फिर गया, नाश्ता पानी लाया, फिर अंदर घर में बैठ के मीटिंग वीटिंग हुई। क्यों जी, तो आ गए फिर, जानते हैं घर में बातें हो जाती तो बड़ी बड़ी बात हो जाती है कि भाई साहब लंडा क्या कर रहा है, इतना खतरनाक काम कैसे कर दिया है, मतलब हाँ। अचानक से पहले तो हम ही गए थे इनके घर, फिर इनके घर वाले आए, बहुत ही मतलब हमको हुआ कि यार कहीं डर लगा, कहीं घर में पिट न जाए हम। लेकिन क्या कहें, चार बात तो सुने थे हम, लेकिन फिर बातें हुई कि चलो अच्छा हम भाई लड़के का शादी करेंगे, लेकिन हमको टाइम चाहिए। गलों ने बोला तो बोला चलो ठीक है। तो ऐसे ऐसे पता है दो साल बीत गए, फिर नहीं हुआ। फिर पता है इसी साल में तो हमको यार शादी करना है, बहुत मतलब आगे पीछे हो गया, क्योंकि शादी इसलिए हम लोग का रुक गया था ना, क्योंकि जो हमारी सिस्टर किट्टो है, किट्टो की शादी बीच में थी, उसकी वजह से शादी हमारी होल्ड हो गई थी। कि सब ने बोला किट्टो के बारे में चलो कोई बात नहीं है, तब तक हम भी अपने पैर पे थोड़ा और स्टैंड हो जाएंगे। तो जब ऐसा मौका मिला तो हम चौका क्यों ना मारे, जब और गए तो घर पे गए, लॉकडाउन भी था तो हम गए सीधे घर पहुंच गए, दादाजी को लेके, चाचा जी को लेके, रिश्ते की बात कर ली सीधे, पंडित उंडित बुला के सब लगा, पत्रिका सब धरवा दिया अकेले ही मैंने। बड़ी हिम्मत हुई थी यार ये सब करने के लिए, लेकिन अब पता हिम्मत क्यों ज्यादा हुई, क्योंकि घर वाले साथ थे हमारे, घर वालों ने मेरा पूरा सपोर्ट किया है, मेरी मम्मी ने, पापा ने, दादा ने, चाचा ने, सब ने सपोर्ट किया। नहीं आज तो हम एक दूसरे के साथ बैठे नहीं होते, कहीं बिछड़े हुए होते। मेरे भी घर वाले बहुत सपोर्ट किए शादी के लिए, सब तो इसलिए कहते हैं ना, अगर आप लोग किसी से प्यार करते हैं तो घर पे खुले आम बोलिए कि मैं इससे प्यार करती हूँ। देखो अपनी बात रखने से क्या होता है कि आदमी को पता चलता है कि दिल में क्या चल रहा है। अब मन में छुपाए बैठोगे, भाग जाओगे घर से, ये सब अच्छी बातें नहीं होती, उसमें इज्जत भी जाती है और
समाज से बाहर भी हो जाते हैं लोग, तो ऐसा काम ना करें आप लोग। तो जैसा मैंने किया है वैसा भी ना करें, ठीक है। तो बता दूं हम आप लोग को, तो ऐसी ही सारी बहुत सारी मुश्किलें थी जिसको हमने पार किया है, तब जाके आज हम इस मुकाम पे हैं, एक दूसरे के साथ हैं, लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ा हमारी फैमिली को? प्रॉब्लम तो बहुत सॉल्व करना पड़ा, जिससे एक दूसरे को क्या बहुत सारे जितने भी प्रॉब्लम होते हैं ना, सब हम लोग को फेस करना पड़ा, जो जो दिक्कतें आते हैं, परेशानी वगैरह बहुत। अब क्या था, इनके कोई भाई नहीं मान रहा था, तो कोई मौसी नहीं मान रही थी। मौसी नहीं, अरे वही कुछ जो भी है भाई, और किसको दिक्कत था? चाचा चाची को दिक्कत था। तुमको दिक्कत क्या करना है, देखो चाचा चाची है तुम्हारे, वैसे भी लोग इनके थोड़ा घर पे प्रॉब्लम होती है। हाँ। तो हमके जाने दो, जो दूर है दूर है, आपकी लाइफ बन जाएगी सही है, ठीक है, हमारी भी लाइफ बन जाएगी कुछ है, बहुत सही है। दुनिया क्या है, चार दिन की बात कहती है, उसके बाद कोई कुछ नहीं कहता है, क्योंकि लोग लेकिन अब सब खुश है, अब सब खुश है ना, शादी हो गया सब खुश है। खुश भी होना चाहिए यार, क्योंकि देखो अगर हम लोग भाग के शादी कर लेते ना, तो कोई उसमें इज्जत नहीं थी। मैंने एक दो बार सोचा भी था कि चलो भाग के करते हैं, नहीं अब करना है तो अरेंज ही करना है, भाग के नहीं करना है, क्योंकि जब घर वाले साथ दे रहे तो क्या, घर वाले मान गए तो ये सब करने क्या जरूरत है। तो बड़ा अच्छा लगा था कि ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा हमें, और फिर जाके हमको मंजिल हमारी मिली है। और ऐसे बहुत सारी बातें हैं कि आप लोग को बताएंगे हम। बहुत गर्मी भी हो रही है, आप लोग देख सकते हैं पंखा हमने बंद कर रखा है, क्योंकि पंखे की वजह से आवाज बहुत तेज जाती है। तो आज लोग को बता दूं, आज का दिन है 28 तारीख, सॉरी क्या है जी, आज 29 सितंबर है। आज हमारी मम्मी घर में पूजा भी है, वो पता है किस लिए पूजा है, क्योंकि जीवी पुत्र का पूजा, हमारे लोग जूतिया वाके पूजा करते हैं, जिसमें अपने बच्चों के लिए पूरा निर्जला व्रत रखा जाता है, उनकी लंबी आयु के लिए रखा जाता है व्रत। और जो शादी, जिसे हमारी मम्मी ने हम लोग को बुलाया भी था कि तुम्हारी शादी हो गई है, तो कुछ शायद होता है कि जोड़े के साथ वहाँ पे जाया जाता है, दुल्हन दुल्हन के, दूल्हा दुल्हन के साथ। तो क्या बताएं आप लोग को, हमारे पास टाइम नहीं था, और हमें जूतिया माता माफ करें, नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे तो ऐसे जरूर करेंगे, क्योंकि अभी अभी हम घर से ही आए हैं, तो अपनी मम्मी को भी हम सॉरी बोलेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें मना कर दिया था, अच्छा नहीं लगा था, लेकिन क्या करें दोस्तों, कुछ ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ना। एक्चुअली जो इनके साथ काम करते थे ना, वो अभी छुट्टी पे हैं, छुट्टी पे चल रहे हैं। उनकी वाइफ का आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि उनकी वाइफ का क्या था, BTC का एग्जाम चल रहा है, एग्जाम तो चले वो गए हैं गाजीपुर, आपको पता है कहाँ है, बनारस के आगे, तो वहाँ गए वो एग्जाम दिलाने, नहीं तो हम जरूर हम जाते हैं, मेरा बहुत मन था ऐसा, हमको तो घर जाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके लिए इनका डे नाइट दोनों ड्यूटी पड़ गया। पहले क्या था, हम शाम को 4 बजे थे, अब तो भाई 12 बजे चले जाते हैं और आराम से आते हैं 1-2 बजे, बट आवाज आएंगे सही हो जाएगा, क्या करें दोस्तों, हमको बहुत मिस कर रहे हैं अपने घर को, अपनी मम्मी को, पापा को, कि वहाँ रहते हैं, कितना एंजॉय करते हैं, पूजा पाठ होता है, मतलब बहुत अच्छा बहुत एंजॉय होता है। अब यहाँ दिल्ली में तो पता नहीं ये सब कोई नहीं जानता, लेकिन गाँव में तो जूतिया माता का पूजा होता है, और जो लोग जानते होंगे कमेंट में जरूर करके बताना, क्योंकि आज हमारी मम्मी भी हैं, आप लोग की मम्मी भी होंगी, तो प्लीज जरूर बताइए कमेंट में, और बाकी का हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। और जिनको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो लोग नए जुड़े वो लोग भी करें, ठीक है। अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।